मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। इन टूडेज वीडियो आई एम शेयरिंग विद यू सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक। एज यू नो कि ग्लैम मेकअप का नाम आते ही हमारी आंखों के सामने हैवी वेस, डार्क कॉन्टोर, स्मोकी आई मेकअप, ग्लिटर, स्पार्कल, विंग्ड आई लाइनर, बड़ी सी फॉल्सीज और बोल्ड लिपस्टिक आ जाती हैं, जो कि हम सभी किसी भी खास पार्टी या ओकेजन में ही कर सकते हैं। इसलिए आज मैंने सॉफ्ट ग्लैम मेकअप किया है। कई लोग ऐसे हैं जो मेकअप करना भी चाहते हैं और मेकअप बहुत ज़्यादा ना दिखे उससे डरते हैं, तो आई होप कि आज का मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आएगा। सारी चीज़ें मैंने की हैं ग्लैम मेकअप के जैसे ही, कलर्स सारे यूज़ किए हैं, आई मेकअप भी किया है, लेकिन सभी कलर्स को मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट रखा है। बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं बनाया मैंने, आई मेकअप में थोड़ा सा चेंज किया है। लिपस्टिक को मैंने मीडियम रखा है, ना ज़्यादा डार्क है ना लाइट है, और इसके साथ ही हाई बन बनाया। तो चलिए जल्दी से मेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले फेस को क्लीन करने के बाद मैंने टोनर अप्लाई किया, अब सीरम लगा रही हूँ, उसके बाद मॉइस्चराइज़र और लिप बाम लगा के मैं स्किन केयर कंप्लीट करूँगी। स्किन केयर आप अपनी पसंद के प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं, या जो आपके स्किन के ऊपर सूट करता हो, हमेशा आप यूज़ करते हो तो उसके साथ करिए। बट जब आप मेकअप शुरू करते हैं और जब रिमूव करते हैं तो उस समय स्किन केयर अच्छे से कर लिया कीजिए, ताकि आपका स्किन हमेशा ग्लोइंग रहे, यूथफुल रहे और उस पर किसी भी तरह के दाग धब्बे ना हों। अब मैंने पूरे फेस पे प्राइमर लगा लिया है। जहाँ पे लार्ज ओपन पोर्स होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइमर लेके और लगा के मसाज कर लीजिए। अब सबसे पहले मैं अनइवन स्किन टोन को इवन करूँगी, जैसे आँखों के नीचे और लिप्स के आसपास थोड़े से काले काले से दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने येलो कंसीलर लिया और उसको पूरे फेस पे ही मैंने थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया है। अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है और ज़्यादा डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन या स्कार्स के दाग धब्बे ज़्यादा हैं, तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर लीजिए, जिससे बहुत अच्छे से हाइड हो जाता है। जितने भी दाग धब्बे, झाइयाँ या अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम होती है तो उसको बहुत अच्छे से कवर कर देता है। इस तरह से फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से एक पतली सी लेयर मैंने येलो कंसीलर की पूरे फेस पे लगा दी है। इसके ऊपर मैं अपना स्किन टोन लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने एक लेयर लगा दी, इसके ऊपर मैं थोड़ा भी लगाऊंगी तो अच्छा सा बेस बन जाए। जब भी हम बेस बनाते टाइम कम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो बेस लंबे समय तक चलता है और बिगड़ने का कम चांस रहता है। हैवी बेस जब बनाते हैं तो उसे काला पड़ने का या कहीं से हटने का ये सब ज़्यादा डर रहता है। अब मैं फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। यहाँ पर मैं कबूकी ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ, इसके बाद मैं ब्यूटी स्पॉन्ज से भी करूँगी। आँखों के ऊपर मैंने कंसीलर नहीं लगाया था तो वहाँ भी मैंने लगा लिया, ताकि साथ के साथ मैं ब्लेंड करती जाऊँगी। नाउ आई एम ब्लेंडिंग विद डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज। ग्लैम मेकअप लुक में बहुत ही डार्क कंटूर करते हैं, लेकिन मैं उतना डार्क नहीं करूंगी, सॉफ्ट ही रखूंगी। क्रीम कंटूर की जगह पे आप पाउडर कंटूर भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी गर्मियां चल रही हैं तो इसमें पाउडर कंटूर भी अच्छा होता है। थोड़ा सा कंसीलर लेके हाइलाइटिंग एरिया पे लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से कंसीलर लगा सकते हैं, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने कम लगाया। अगर आपके आईज एरिया पे ज़्यादा ब्लैक दिखे या लिप्स के पास ज़्यादा ब्लैक दिखे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं, और लगाने के बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। इस तरह से बेस बन के तैयार है। अब मैं इसे ट्रांसलूशन पाउडर से सेट कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होती जा रही थी। आप एकदम आराम आराम से कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग स्प्रे से बेस को सेट कर रही हूँ, ताकि मेकअप इधर उधर ना जाए, एज इट इज़ रहे। नाउ कमिंग टू द आई मेकअप। एट फर्स्ट आई विल फिल माई आईब्रोज। Thank you.
से मैंने थोड़ा सा ब्रश करके आईब्रोज को सेट किया। उसके बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि यहाँ पे नीचे लग गया, तो उसको कंसीलर से क्लीन किया। क्रीम कलर का मैंने आई शेडो लिया है, उसको मैंने इनर कॉर्नर की तरफ से लगाना स्टार्ट किया। यू कैन सी कि मैंने कितनी दूर तक लगाया। उसके बाद मैंने स्किन कलर या इसको लाइट ब्राउन भी कह सकते हैं वो लगाया है। आज मैंने आई मेकअप में सारे कलर्स ब्राउन फैमिली से ही लिए हैं, लाइट, मीडियम और डार्क कलर। इसके बाद मैंने डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर लिया है, इसको क्रीज लाइन और आउटर कॉर्नर पर लेके ब्लेंड करूँगी। और एक साथ मैं दोनों आँखों के ऊपर इसलिए कर रही हूँ कि दोनों इक्वल आ जाए। इसी आई शेडो को मैंने आंखों के नीचे भी लगाया है, डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर को। यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ जो कि ब्लैक सा दिखता है, इसको मैंने क्रीज लाइन पे लगाया है, आउटर वी के अंदर लगाया है, इससे थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आएगा। वाटरलाइन पे मैं काजल लगा रही हूँ और आँखों के ऊपर के पलकों पे भी लगाऊंगी ताकि लाइनर लगने के बाद आँखों के अंदर से वाइट वाइट सा पार्ट ना दिखे। अब बारी आती है लाइनर की। लाइनर आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लगाया है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। पहली बार मैंने किसी मेकअप की वीडियो में इस तरह का लाइनर लगाया है, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। इस तरह से आप लाइनर लगाएंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल खुली खुली लगेंगी। मस्कारा लगा रही हूँ, आप फॉल्सेस भी लगा सकते हैं यहाँ पे। आई मेकअप मैंने थोड़ा सा कुछ कुछ अलग किया है आज, तो यहाँ पे भी मैंने चेंज किया है, हाइलाइटर की जगह पे मैंने ग्लिटर लगाया है एंड इनर कॉर्नर पे मैंने थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा करके ही हाईलाइट किया है। अब आ जाते हैं रेस्ट ऑफ फेस मेकअप पे। तो सबसे पहले आँखों के नीचे जो भी गिरा था आई शेडो वगैरह उसको मैंने क्लीन किया। अब मैं यहाँ पर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, इसको लाइट ही रखूँगी मैं, ज़्यादा डार्क पिंक या बीच कलर मैं नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ब्रॉन्जर जैसा ही लगेगा, इसलिए मैंने जहाँ जहाँ पे कॉन्टोर किया था वहाँ भी थोड़ा सा लगा लिया। नोज़ के ऊपर, फोरहेड पे, चिक बोन पे, अपर लिप्स के ऊपर, सभी जगहों पे हाईलाइट कर रही हूँ। डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास लाइट कलर की नहीं थी तो इसी को लगा के मैं ऊपर से फिर इसे टिश्यू से हटा दूँगी। इसके ऊपर फिर कोई लाइट शेड अप्लाई कर लूँगी जिससे कि काफ़ी लाइट सा दिखेगा। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई डिजायर शेड ना हो जो आप लगाना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो भी है वो लगा लीजिए, उससे मिलता जुलता हुआ उसको टिश्यू से निकाल दीजिए, उसके ऊपर आप कोई भी लाइट शेड लगा लीजिए, या वो भी नहीं है तो आप आई शेडो भी उससे मिलता हुआ कलर लेके लगा सकते हैं। अब मैं ब्रश से एक बार पूरे फेस को क्लीन कर लेती हूँ ताकि जहाँ भी ज़्यादा या कम हो तो वो इक्वल हो जाए या हट जाए, वहाँ से क्लीन हो जाए। इस तरह से मेकअप कंप्लीट हो चुका है, चेंज भी मैंने कर लिया है। अब हेयर स्टाइल की बारी है, तो देखते हैं किस तरह से हेयर स्टाइल इस पर अच्छा लगता है। सॉफ्ट ग्लैम लुक करने की कोशिश की है मैंने। आज मैं सिर्फ इयर रिंग्स डाल रही हूँ। ओपन हेयर स्टाइल भी अच्छा लग रहा है इस पर, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हाई बन बनाऊँ।
आप चाहें तो खुले बाल भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, लेकिन मेरे बाल काफ़ी ड्राई और फ्रिजी हैं तो खुले बाल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं इसको चाह रही हूँ कि बन बना लूँ। और आज का हेयर स्टाइल जो मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल और क्विक हेयर स्टाइल है, 2 मिनट में बन जाएगा। आगे से मैंने थोड़े से बाल लिए और यहाँ पे मैंने रबर बैंड लगा दिया, बिल्कुल ऊपर की तरफ लेते हुए एक पोनी जैसा बनाएंगे और रबर बैंड लगाने के साथ ही उसको टर्न करके एक बन जैसा बना के उसको सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद बैक में जो बाल बचे हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद लेफ्ट वाले बाल को राइट साइड में लाके इस तरह से टर्न करके यहाँ पे सिक्योर करेंगे। अब राइट साइड के हेयर को कॉम करेंगे, थोड़ा सा फ्लफी बनाएंगे और उसको लेफ्ट में लाके इस तरह से टर्न करके और सिक्योर करेंगे। इस तरह से बहुत जल्दी में हाई बन बनके तैयार हो जाता है और ये ग्लैम लुक पे और इस तरह के मेकअप लुक पे बहुत ही अच्छा शूट करता है, अच्छा लगता है देखने में। थोड़े थोड़े से बाल मैंने दोनों साइड में निकाले हैं और जहाँ भी टाइट लग रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा ढीला कर रही हूँ। इस हेयर स्टाइल को आप बिल्कुल भी टाइट करके ना बनाएं, थोड़ा थोड़ा सा ढीला ही रखें, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह से मैंने हाई बन हेयर स्टाइल बनाया एंड दिस इज माय फाइनल मेकअप लुक। आप लोगों को आज का मेकअप लुक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और मेहनत करूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मेकअप के वीडियोस लेके आऊं। जब भी हम किसी काम में पूरी मेहनत करते हैं, समय लगाते हैं और सामने वाला इंसान उस चीज़ को देखता है, उसमें या तो कमी हो या अच्छाई हो, जो भी वो देख के वॉच करके निकालता है उसे हमें बताता है तो बहुत खुशी मिलती है और लगता है कि हमने जो मेहनत किया वो सफल हुआ, हमारा प्रयास सार्थक हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।